अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तक कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग होंगे बहुत अच्छे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ सामान दिखाने वाली हूँ, मतलब जो मैं दो तीन दिन पहले लाई थी ना, वो सामान मैं आज दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं ये तो नहीं कहूँगी टाइम टाइम तो रहता है, मैं पूरे दिन फ्री ही रहती हूँ। कल हाँ टाइम नहीं मिला था, आज मैं फ्री थी लेकिन बस मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को सामान दिखाती हूँ जो मैं लेके आई थी। ठीक है, तो सामान ये आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने वैसे देखा है, मैं जब गई थी वहां पे भी मैंने ब्लॉग बनाया था। तो एक तो मतलब वो तो काफी बड़ा है, ये तो सिंपल मैंने दो रोटी के कपड़े लिए हैं। मैं तो रोटी के कपड़े बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और दिखाती हूँ आपको ये मैंने ना एक वाटर कूलर लिया है, लेकिन मैंने अंकल को बोल दिया था क्योंकि वहां पे ना स्पेस कम है किचन में, अगर ये वहां पे फिट आया तो मैं इसे रखूंगी, वरना तो फिर इसे रिटर्न कर दूंगी। लेकिन अभी मैंने चेक नहीं करा, अभी सबसे पहले आप लोगों को दिखा रही हूँ, फिर चेक करूंगी, फिर वॉश करके फिर रखूंगी, फिर और दिखाती हूँ। ये तो है वाटर कूलर, अभी दिखा रही हूँ। तो अब्दुल रजा उसे चेक करने भी चला गया कि मम्मी देख लो कि वहां पे आ जाएगा या नहीं। मैंने कहा चलो चेक कर लो, और एक मिनट रुक अभी दिखाते। और दो मैंने ये जार लिए हैं, देख लिए थे आप लोगों ने ये, लेकिन जब पैक करा थे तब नहीं दिखाए थे। ये वाले अच्छे लग रहे थे मुझे, हालांकि मेरे ऐसे मतलब नॉर्मली ले रखे हैं मैंने, पर ये थोड़ा अच्छे वाले हैं। ये शुगर और ये टी, तो एक आप लोगों को दिखाती। मैंने वहां पे खोल के भी नहीं देखा, बस मेरा ये है कि मुझे जो पसंद आता है ना, मैं कहती हूँ बस फटाफट पैक कर दो, रख दो बेटा आगे। पर ये स्पून है, अब टी और शुगर आ जाएगी इसमें, अब वो जो दो जार बचेंगे ना उसमें दाल आ जाएगी जो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ ना। ठीक है, और एक मिनट अभी और दिखाती हूँ। तो ये भी दो जार है छोटे, बिग ट्रे, और ये ऐसे कुछ है, देखो है ना क्यूटी पाई से। ये ब्लैक पेपर, ये सॉल्ट है ना मजे की चीज, और इसे क्या वो भी बोलते हैं, नमकदानी भी बोलते हैं इसे कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है, यूज तो एक ही चीज, मतलब यूज तो एक ही पर्पज से करना है ना। हम सॉल्ट डालें या कुछ भी डालें, मतलब डाल हाँ मतलब डाल तो हम नहीं यार, हम वही डालेंगे, लेकिन बोलते हैं इसे नमकदानी भी है। खैर जो भी हो, आप लोग तो देख के समझ गए होंगे ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे बताने का तरीका थोड़ा ऐसे ही है। और एक चीज और बची है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है एक लंच बॉक्स, ये वैसे मैं अब्दुल रजा के लिए गिफ्ट के उससे लाई हूँ, क्योंकि मैं मतलब जब अब्दुल रजा का बर्थडे था, बर्थडे वैसे हम मनाते ही नहीं है, मतलब ऐसा है कि बच्चों को कुछ दे देते हैं गिफ्ट वगैरह, एक दूसरे को वैसे भी देते हैं हम लोग, तो उस चीज से थोड़ा दिल खुश हो जाता है और प्यार बढ़ जाता है। तो ये एक लंच बॉक्स है, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब वो वाला ना खराब हो रहा था इसका, और मैं सोच रही थी मार्केट जाऊंगी तो लाऊंगी वो जो आजकल चल रहे हैं ना स्टील वाले, तो लेकिन वो ना बहुत बड़ा है, वो देखने में तो सही लगता है, जैसे हम फोन में देखते हैं वो सही लगता है, लेकिन बड़ा है। फिर मैंने कहा जब इतना ही बड़ा लेना है तो हम ऐसा कुछ क्यों ना ले। ये देखो ये कितने क्यूट क्यूट से दो बाउल है इस तरीके से, थोड़ा सा वो रबड़ वाला है तो अभी न्यू भी है तो थोड़ा सा हार्ड है, बाकी यूज होता रहेगा तो फिर सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखो ऐसे, मतलब इसमें ये है कि हाँ दो छोटे पराठे और सब्जी, और इसमें राइस वगैरह दे सकते हैं, और अगर नहीं देने तो इसमें जैसे हम दो पराठे रख सकते हैं, दो तीन भी आ जाएंगे छोटे, तीन पराठे रख देंगे और इसमें सब्जी रख देंगे, इसमें कुछ बच्चों की कुकीज वगैरह भी हम रख सकते हैं। तो ये पूरा कुछ इस तरीके से है ये, और मैं वैसे रैयान के लिए भी लाती हूँ, लेकिन अभी रैयान थोड़ा छोटा है, वो इसे कैरी नहीं कर पाएगा, मतलब ये जैसे मुझसे इतना हार्डली खुल रहा है तो इससे कैसे खुलेगा, तो इसलिए मैं नहीं लाई हूँ रैयान के लिए। और रैयान का क्योंकि अभी सही है लंच बॉक्स, मतलब सही है उसका, और उसका भी बर्थडे आने वाला है, उसे भी इंशाल्लाह कुछ अच्छा सा दूंगी। और अभी लेकिन शुरुआत जो हो रही है ना, ये
अब्दुल रजा इसे दिवाली के बाद से ले जाएगा क्योंकि कल कल स्कूल जाना है, परसों छुट्टी है। लेकिन आज इसमें ना जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बिरजू आजकल लेट आ रहे हैं, तो वो लेट आते हैं ना तो जैसे खाना नहीं खाते, 12-1 बजे आते हैं फिर सो जाते हैं, क्योंकि मैं भी सो जाती हूँ कभी कभी, मुझे पता ही नहीं चलता वो कब आए, तो फिर कहाँ इंसान से खाना खाया जाता 12 बजे। तो आज मैंने उन्हें कॉल करी, मैंने कहा आप इशा की नमाज के बाद खाना खाएंगे और मैं आपको घर से खाना भेजूंगी, क्योंकि दुकान पे लड़कों के लिए मंगवाते हैं होटल से और फिर होटल का खाना उन्हें थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मतलब नहीं खा पाते वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लड़के होटल से खाना मतलब मंगवा देना, वो वहाँ पे खाएंगे, और मैंने कहा मैं आपको घर से खाना बना के भेजूंगी। तो मैं आज बिरजू को खाना पहले इसमें भेजूंगी, है तो अब्दुल रजा का लेकिन खाना मैं बिरजू को भेजूंगी पहले इसमें, मेरा मन कर रहा था। और यही रीज़न है कि मैं इस इतनी जल्दी में ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इसे वॉश भी करूंगी, फिर बिरजू के लिए रोटी वगैरह बनाऊंगी और वो पैक करूंगी थोड़ा, फिर ये जैसे वॉश करूंगी तो थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा। तो ये सब, तो ये छोटा सा सामान आप लोगों को मेरा कैसा लगा, ये छोटे मोटे सामान आप लोगों को मेरे ब्लॉग में देखने को मिलते रहेंगे, तो बने रहे मेरे साथ इंशाल्लाह। नहीं, मैं इस ब्लॉग का ना एंड ही कर दूँ यहाँ पे क्योंकि ये मतलब हो गया ना 7-8 मिनट का हो जाता है, फिर मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।